कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ हूँ। हमने अभी तक पढ़ा रिफ्लेक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। हमने ये हाई स्कूल में भी पढ़ा है, लेकिन जो है उन्होंने यहाँ पे जो है हाई स्कूल में हमने दो नियम पढ़े थे। अभी हम आज अपवर्तन के तीन नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपवर्तन शुरू करते हैं कि जब कोई प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है। सीधे न जा करके मार्ग से विचलित हो जाना वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जबकि हमने परावर्तन की जो घटना, इसे पूर्ण रिफ्लेक्शन की जो घटना पढ़ी थी कि प्रकाश जब किसी तल पर पड़ता है तो पूर्ण रूप से टकरा करके वापस आ जाता है, ठीक है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये है अपवर्तक तल है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, आपका कांच हो सकता है, ठीक है। माध्यम जो है कांच हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है माध्यम हो गया, माध्यम हो गया, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। तो क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये माध्यम सपोज है, इसको माना सपोज विरल माध्यम, ये क्या होंगे सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, मतलब ये जो प्रकाश किरण हमने इंसिडेंट करी, आपतित करी, ठीक है, आपतित, ये क्या होगी सीधे न जाकर के ये अपने मार्ग से क्या होगी विचलित होगी, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम में क्या हो जाती है, सीधे में जाकर कुछ उसमें क्या हो जाता है, प्रकाश किरण में विचलन हो जाता है, वही घटना आपकी क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो बच्चों ये जो किरण मैंने कहा था इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इसको हमने बोला अभिलंब, ठीक है। और ये क्या था, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो ये जो कोण बना अभिलंब के साथ, जो कोण बनाया जब किरण आपतित हुई, तो ये आपका आई बना और ये आर बना। तो इससे संबंधित हमारे पास तीन नियम हैं, दो, ठीक है। पहला नियम हमने पढ़ेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक तल में होंगे। दूसरा नियम कहता है कि किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए, ठीक है, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन होता है, ठीक है। वन एंड टू भी हम इसको बोल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या एन भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिखेंगे जो जाएगा एन टू बटे एन। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, हम इसको क्या दिखा रहे हैं, एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका, इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, ये हमारा दूसरा नियम है, ठीक है। तीसरा नियम मैं आपको बात करता हूं, जो तीसरा नियम है, दो नियम ये होंगे, तीसरा नियम हमारे पास है कि माना सपोज ये विरल माध्यम है और ये क्या है सघन माध्यम। सघन क्या हो गया, विरल मतलब जहां पर कण जो है, वस्तु के कण क्या है, दूर दूर है, विरल माध्यम, जैसे वायु है, वायु क्या है विरल माध्यम मान सकते हैं हम लोग। और सघन माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया, जहां पे वस्तु के कण जो है, पदार्थ के कण जो है आपस में बिल्कुल कंडेंस में होंगे, ठीक है, डेंस कंडेंस, ठीक है, मतलब जो है बहुत नजदीक होंगे, ठीक है। तो सघन होगा तो वहां पे जो है हम कांच को क्या मानते हैं, एक सघन माध्यम मानते हैं। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग परिवर्तन होता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है,
प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति समान होती है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश किरण हमने जो है इंसिडेंट करी, प्रकाश आपतन, जब हमने प्रकाश किरण को इंसिडेंट किया अपवर्तक तल पर, तो क्या होगी, प्रकाश किरण की दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी, ठीक है, उसका वेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन आवृत्ति वही रही, ठीक है, आवृत्ति समान रही। तो आवृत्ति यहां भी समान होगी और यहां भी जो है प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। तो ये क्या होता है, जब प्रकाश किरण जो है, तो ये जब विरल प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। यहां पर मैंने कहा कि वेग जो है और दिशा और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है, आवृत्ति दोनों जो क्या होती है, प्रकाश की समान होती है, ठीक है। ये पहला ये है। दूसरा कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है, ये हमारा जो है माध्यम है और ये आप देखेंगे कि ये अभिलंब है, इसको हम अभिलंब दिखा रहे हैं, एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये अभिलंब है। जब प्रकाश किरण, इसको हम माध्यम बोलेंगे सघन, ये हो गया विरल। जब प्रकाश किरण क्या होती है, विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, मतलब यहां से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर नहीं झुक रही बल्कि अभिलंब से दूर जा रही है, अभिलंब से दूर गई, अभिलंब से दूर गई। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, यहां पे ये आय हो गया, ये हो गया आर। तो यहां पे पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में जो है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो यहां इसके लिए हो जाएगा साइन आई बटे साइन क्या हो जाएगा आर बराबर एन, ठीक है। तो यहां पे आई इज ग्रेटर देन आर के, आई इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल क्या है, बड़ा है, और रिफ्लेक्शन एंगल जो है छोटा है, ये कंडीशन इसकी है। तो प्रकाश किरण किसमें, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो आई क्या होगा, इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा। यहां पे देखिएगा कि जब प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इंसिडेंट एंगल की आई इज लेस देन आर के, मतलब यहां पे इंसिडेंट एंगल छोटा और रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, बड़ा है। हम इसको लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यहां पे जो है साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई, ठीक है। तो बच्चों मैंने कहा कि जब प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो प्रकाश की किरण का वेग और दिशा तथा तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है, प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, समान होती है। तो ये जो है तीसरा नियम है हमारा, हमने जो है अपवर्तन के तीन नियम पढ़ लिए, वो तीन नियम है हमारा, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा स्नेल का नियम है कि किसी एक अंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। तीसरा जो मैंने कहा कि प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम अथवा सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य और दिशा परिवर्तित होती है, प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी बच्चों, हम बात कर रहे हैं एन की, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक क्या चीज है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन होगी हमारी, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन होती है, निर्वाह एन इज इक्वल टू होता है सी अपॉन बी, एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी, अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, सी क्या है, सी है निर्वात में प्रकाश की चाल, कितनी होती है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और वी हो जाएगा आपका माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम कहेंगे बच्चों कि एन क्या होगा, अपवर्तनांक किससे कहते हैं, कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हमारे पास तीन माध्यम है, हमारे पास माध्यम है कांच है,
हवा है और जल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हम लिखेंगे कि ए एन, ठीक है, ए एन जी इंटू, ठीक है, ए एन जी ए, बच्चों ये हो जाएगा आपका ए एन, ये हो जाएगा मानो सपोज ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू इंटू हमारा जो है दूसरा हो जाएगा डब्ल्यू एन जी इंटू हमारा तीसरा हो जाएगा जी एन, अर्थात एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। इस तरीके से इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। या हम इस तरीके से बोलेंगे डब्ल्यू एन जी बराबर हो जाएगा वन अपॉन ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन, एयर के सापेक्ष वाटर का, ग्लास के सापेक्ष एयर का। इस तरीके से जो है यदि हमारे पास माध्यम होते हैं अपवर्तनांक जो है वायु में अपवर्तनांक, कांच में अपवर्तनांक और वायु में कांच में और जल में जो अपवर्तनांक होता है उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, वन होता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन होगी, अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन होगी कि वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। धन्यवाद।